अश्विन साहब, एक महिला की हत्या कर दी गई है, क्या मामला, किस तरीके से हत्या की गई, कुछ वारदातों के बारे में कुछ क्लियर हो पाया? ये थाना प्रेम नगर में गांधी पुरम एक एरिया है, यहाँ पर एक महिला की उसके एक हत्या कर दी गई है। और इसमें जो प्रेमा फेसी जो सस्पेक्ट है हमारा, वो इसका हस्बैंड है और वो अभी फरार है। और इस महिला की गला काटकर हत्या की गई है। और अभी जांच के दौरान भी ये पता चला है कि इन महिला और पुरुष के बीच में लगातार झगड़े होते रहते थे। इनके बीच में काफ़ी मुकदमे भी हो रखे हैं और कोर्ट में इनका केस भी डाइवोर्स का चल रहा है। तो इस संबंध में लगातार इनके बीच में नोकझोंक होती रहती थी, जैसा कि मकान मालिक ने भी बताया है। और मकान मालिक ने ये भी इनसे कहा था कि ये मकान खाली कर दें अगर इतने झगड़े होते हैं। तो उसी क्रम में आज सुबह अभी जो लग रहा है वो ये देख के कि आज सुबह इनके बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया। दूसरा चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि अभी झगड़े से पहले 2-3 दिन पहले ही इस महिला ने थाने में शिकायत की, चौकी पे शिकायत की, बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कहीं मानते हैं कि कोलैप्स रहा? नहीं नहीं, उसमें इन दोनों लोग के बीच में झगड़े होते थे और झगड़े में हस्बैंड भी पुलिस को अप्रोच करते थे और वाइफ भी अप्रोच करती थी। तो पुलिस का जो सबसे पहला अप्रोच ये होती कि मीडिएशन के थ्रू चीज़ें सॉल्व हो जाएँ और ज़्यादा उसको प्रोलोंग ना किया जाए, तो उस स्तर से कार्रवाई कराई गई। बट उनके बीच में लगता हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, इस वजह से ये घटना पति ने अंजाम दी। किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या आंखें फोड़ी गई? हाँ, उनके हाथ की नसें काट दी गई हैं और गले पे भी का गला भी काट दिया गया है उनका, और आंखों पर भी वार किया गया है जिससे कि आंखें निकल गई। पति के बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या करते हैं पति? इन दोनों लोग की पहले भी शादियां हो रखी थी। वाइफ के जो पहले हस्बैंड हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो अभियुक्त हैं पति, उनकी जो पहली वाइफ है वो भी हैं यहाँ पर। जो मृतका है उनका एक बेटा भी है जो कि गोंडा में रहता है, मृतका गोंडा की रहने वाली हैं, तो इनका बेटा वहीं गोंडा में रहता है। और जो पति का घर है वो यहीं बरेली में ही डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले हैं। टीम कितनी लगाई गई? देखिए, अलग अलग जगह हम लोगों ने टीम लगा रखी है। कोई एक टीम हमारी सर्विलांस पे काम कर रही है और बाकी जो टीम है वो उनके एड्रेस को तस्दीक करके वहाँ पर उनको पकड़ने का प्रयास करेगी। मेरा नीरज अग्रवाल। क्या हुआ इनके साथ में, कैसे इनकी हत्या की, किसने की? जे तो साहब दोनों मियाँ बीवी रहते थे सर। कब से रहते थे? जे हमारी 11/7/2019 से 11 तारीख को इन्होंने मकान लिया था हमारा किराए पे। 11 तारीख? हाँ हाँ। घटना का याद की है? हाँ, जे घटना अब जब सवेरे सर सवेरे ताले पड़े हुए थे, जब भाभी आई ऊपर ताले पड़े हुए थे, तो फिर ताले पड़े हुए थे हमने कि जे लोग घूमने का इनका विचार था, जे लोग जाने को थे नैनीताल जाने को थे। हाँ, मारा पीटी है, इसका केस चल रहा है सर, इनने रिपोर्ट करा रखी है अपने पति के खिलाफ। कौन? जो मरी है जे गोंडा की है सर। क्या नाम है? हाँ, आरती।